सब्सक्राइब कीजिए हमारा एमके एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर 2020 जिसमें 23 से 30 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले अप्रैल के पिछले दो साप्ताहिक वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपका ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर फॉलो कीजिए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण एक क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ में आगामी समय में आयोजित होने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोरोना डाटा का। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बाल मित्र पुरस्कार 2020 के लिए छत्तीसगढ़ के किस गांव का चयन किया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है कान्हा भैरा, सिवनी, आमापाली और करकाभाट। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इससे आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा और लास्ट में काउंट कीजिएगा कि कितने आप लोग सही करते हैं और कितने गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका डिटेल देखते हैं कि राज्य के कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखंड के ग्राम कान्हा भैरा का चयन स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बेहतर वातावरण, स्वच्छता, दस्तावेजीकरण के आधार पर किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी सूची में छत्तीसगढ़ का यह एकमात्र ग्राम पंचायत है जिसे यह अवार्ड दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, देश में मनरेगा कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में बड़े राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया है सेकंड स्थान, थर्ड स्थान, फोर्थ स्थान और फिफ्थ स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका डिटेल देखते हैं, 84,269 मानव दिवस रोजगार का सृजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। मनरेगा में लक्ष्य के विरुद्ध प्रदर्शन के मामले में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश के लिए स्वीकृत 13,61,84,269 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है जो लक्ष्य का 105% है। दोस्तों याद रखिएगा कि लक्ष्य का 105% है। थर्ड क्वेश्चन है, बस्तरिया बियर के नाम से प्रसिद्ध सल्फी के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है सल्फी, मैंने हर क्वेश्चन में सबका फ़ोटो इसीलिए ऐड किया है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा देखने से अगर उस चीज़ को हम लोग अपने सामने में देखते हैं तो ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ दिखता है सल्फी और इसका सही नाम आएगा कैरियोटा यूरेनस, मतलब कि सल्फी के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है कैरियोटा यूरेनस। आइए इसके डिटेल देखते हैं, यह वृक्ष दंडकारण्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सल्फी ताड़ कुल का पुष्पधारी वृक्ष है। इस पेड़ से निकलने वाले रस में एल्कोहल की मात्रा अत्यधिक होती है। आदिवासी इस पेय पदार्थ व पदार्थ को अपनी बेटी की शादी में दहेज के रूप में देते हैं। जो सल्फी के पेड़ है उसको संस्कृत में मोकाहारी और गोंडी में गोरगा भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। और यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सल्फी वृक्ष के वैज्ञानिक नाम को एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 5। इसका डिटेल देखते हैं, राज्य की प्रमुख 5 फ्लैगशिप योजनाओं जिसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम अस्पताल योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शामिल है। इन योजनाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन करेंगे। तो याद रखिएगा कौन कौन सी योजनाओं की, तो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम अस्पताल योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना,
आदि पांच फ्लैगशिप योजनाओं का मुख्यमंत्री अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, राज्य में वर्तमान में कितने गौठानों का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1350। इसका डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जियो टैगिंग क्या है और इसे क्यों किया जाता है। तो यह एक ऐसी भौगोलिक जानकारी है जो फोटो, मैप और वीडियो के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो याद रखिएगा, जियो टैगिंग में फोटो, मैप और वीडियो के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। इसमें एक विभागीय कर्मचारी उस स्थान पर, यहाँ पर स्थान आएगा, उस स्थान पर भौतिक रूप से पहुँच कर मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर अक्षांश, देशांतर, जगह का नाम, क्षेत्र के अलावा समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई, किसी निश्चित स्थान से उसकी दूरी आदि अंकित करता है। तो याद रखिएगा, जियो टैगिंग में अक्षांश, देशांतर, जगह का नाम, क्षेत्र के अलावा समुद्र तल से ऊंचाई, किसी निश्चित स्थान से उसकी दूरी आदि चीज़ों को अंकित किया जाता है। और इससे जियो टैगिंग से क्या लाभ होने वाले हैं, तो लाभ को देखते हैं। इसमें ग्रामीणों को नज़दीकी गौठानों में पशुओं का व्यवस्थापन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान व मधियाकरण जैसे कार्यों के लिए पशुपालकों और पशुपालन विभाग को आसानी होगी। तो ये इसके फायदे हो गए। वर्तमान में प्रदेश में कुल 10,005 ग्राम पंचायत में से 5,409 ग्राम पंचायतों में गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 1929 गौठानों का कार्य, निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निर्माणाधीन गौठानों के शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के कार्य प्रगति पर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जियो टैगिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देश की विद्युत कंपनी में छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को कौन सा स्थान मिला है? मतलब कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी 3रा स्थान। इसका डिटेल देखते हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार CSPDCL के ताप विद्युत गृहों देश भर के स्टेट सेक्टर में 3रा स्थान मिला है। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह जो कोरबा में स्थित है को 8वां स्थान मिला है। ज्ञातव्य है कि देश में कुल 34 स्टेट सेक्टर के अधीन विद्युत ताप गृहों का संचालन किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसका पिक्चर लगा दिया है, वहीं से इसका आंसर भी मिल गया है और इसने 3रा स्थान हासिल किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन वर्ल्ड पत्रिका के सर्वेक्षण में साइंस कॉलेज दुर्ग को संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10वां स्थान। साइंस कॉलेज दुर्ग का कोई गेट कुछ ऐसा कुछ दिखता है, इसको मैंने पीक में लगा रखा है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। सबसे पहले साइंस कॉलेज दुर्ग का पूरा नाम क्या है? तो शासकीय विश्वनाथ यादव तमस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग, जिसे शॉर्टकट में साइंस कॉलेज दुर्ग कहा जाता है, ने गुणवत्ता संबंधी जारी रैंकिंग में पूरे देश में 10वां स्थान हासिल किया है। यह स्थान महाविद्यालय की अकादमी, सांस्कृतिक, अन्य पाठ्येतर गतिविधियां, रिसर्च, खेलकूद में सहभागिता पर किए गए सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन के आधार पर इसे यह स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार BPL परिवारों को कितने माह का चावल मुफ्त में दे रही है? तो इसको याद रखिए आप लोग, 3 माह का। कौन कौन से माह? तो अप्रैल, मई और जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है चकमक अभियान, सजग कार्यक्रम। तो ये दोनों ही सही होंगे, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, चकमक अभियान की शुरुआत की है। इसका डिटेल देखते हैं। यह अभियान 25 अप्रैल 2020 को बाल विकास और यूनिसेफ, याद रखिए बाल विकास और यूनिसेफ के सहयोग से, लॉकडाउन के समय जब आंगनबाड़ी बंद है तो बच्चों को घरों में ही पारिवारिक सदस्यों के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर सिखाने की पहल
की जाएगी। तो ये दोनों ही जो सजग कार्यक्रम और चकमक अभियान है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इस साल कितना मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 17 लाख। डिटेल देखते हैं, तेंदुपत्ता से 5,200 रुपये प्रति मानक बोरा एवरेज के हिसाब से 560 करोड़ का रिवेन्यू प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं में वर्णित तक्षक सांप इस राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। ये सांप कुछ ऐसा दिखता है, हवा में उड़ सकता है। डिटेल देखते हैं, दंतेवाड़ा जिला की बैलाडील पहाड़ी पर यह सांप पाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है? तो वैज्ञानिक नाम ग्लाइडिंग स्नेक। यह अपने मांसपेशियों में हवा भर लेता है, जिससे यह हवा में 50 से 60 फीट तक छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वर्तमान में एक आकलन के अनुसार कितने बाघ और वन भैंसे हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 19 बाघ व 35 वन भैंसे। याद रखिए 19 बाघ व 35 वन भैंसे। डिटेल देखते हैं, राजकीय पशु वन भैंसा उदंती सीता नदी व टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। याद रखिए केवल हमारा जो राजकीय पशु है छत्तीसगढ़ में दो जगहों में पाए जाते हैं या निवास करते हैं, कौन कौन से? तो उदंती सीता नदी अभयारण्य और टाइगर रिजर्व। बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में मुंगेली जिले के अचानकपुर कोर क्षेत्र के 6 गांव जल्दा, कुबा, बहाउड़, बांकल, बुकरा कछार व सांभर का व्यवस्थापन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से इस साल के बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 21,000 करोड़। इसको मैंने छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 के वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसका डिटेल देखते हैं, इस परियोजना में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना सहित पेरी महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, शेखरपुर बांध, डांडा पानी बांध परियोजना, खारंग अरिहन लिंक परियोजना, छपरा टोला फीडर जलाशय तथा रेहर अटेम लिंक परियोजना आदि शामिल है, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपये का इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुरासिक काल के दुर्लभ ट्रीफर्न पादप प्रजाति छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैलाडीला की पहाड़ी। तो जो ट्रीफर्न प्रजाति है वो ऐसा कुछ दिखती है, देख लीजिएगा इसको। इसका डिटेल देखते हैं, 3 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर का युग था, तब धरती की प्रमुख प्रजातियों में यह ट्रीफर्न एक थी। यह पादप प्रजाति मध्य भारत में सिर्फ बैलाडीला के पहाड़ों पर ही मिलती है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और यह अभी करेंट में चर्चा में था, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। ऐसा माना जाता है कि शाकाहारी डायनासोर का मुख्य भोजन ट्रीफर्न नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ के लिए तैयार कॉन्सेप्ट प्लान में प्रथम चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 15 से 22 अप्रैल के करेंट अफेयर में चर्चा कर चुका हूँ, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कि भगवान श्री राम जी छत्तीसगढ़ में यहाँ से एंटर करते हुए जो रेड मार्क में इसमें दिखाया गया है, ऐसे करके छत्तीसगढ़ के सुकमा के बॉर्डर से गुजर के तमिलनाडु की ओर गए थे। तो इसका डिटेल और अच्छे से देखते हैं। इस योजना के लिए चिन्हित 51 स्थानों में, याद रखिएगा कि राम वन गमन पथ के लिए कितने स्थानों को चिन्हांकन किया गया है, तो 51 स्थानों को, जिनमें प्रथम चरण में 9 स्थान जिसमें सीतागढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा तप्त ऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम शामिल है, को पर्यटन की दृष्टि से प्रथम चरण में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा
सीएम भूपेश बघेल जी ने सप्त ऋषि आश्रम, राजिम लोमस ऋषि आश्रम में यज्ञशाला, योगा और मेडिटेशन सेंटर व प्रवचन केंद्र विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर को पूरे देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 213वें स्थान। डिटेल देखते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की समीक्षा तथा रैंकिंग करने वाली संस्था यूनी रैंकिंग ने 873 यूनिवर्सिटियों में इसको 213वें स्थान पर रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहचान दुबराज चावल का उत्पादन इस राज्य के किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धमतरी। इसका डिटेल देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नगरी दुबराज को बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत GI पंजीयन के लिए भेजा गया है, मतलब GI टैग के लिए। इस तर्ज पर दंतेवाड़ा के लोकती मांझी और कांकेर के चिरई नकी प्रजाति के धान को भी जीए पंजीयन के लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फसल की किस्मों को पहचान देने के लिए एक टैग होता है, जिसके तहत किसी भी फसल को पंजीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से संबंधित किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ये यहाँ पे मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका टैग है, इसका थंबनेल ऐसा कुछ है। आप लोगों को इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो दिख जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग सभी को पता चल गया होगा, कवच है। तो याद रखिए, ये यहाँ पे मोबाइल ऐप है, ना कि PC ऐप। डिटेल में देखते हैं। कोरोना संक्रमण से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुँचाने का इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है, और इस ऐप को स्वास्थ्य विभाग और चिप्स की मदद से तैयार किया गया है। इस ऐप में COVID-19 ई पास के लिए भी आवेदन की सुविधा की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस ऐप के थ्रू आप लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास ले सकते हैं, यहाँ पे जाकर आवेदन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के कितने जिले अब हॉटस्पॉट बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हॉटस्पॉट जिले में कौन कौन शामिल है? तो कोरबा पहले से शामिल था, और अभी सूरजपुर में 10 मरीज मिले हैं संदिग्ध, जिसमें 3 पॉजिटिव है, तो इसको भी हॉटस्पॉट में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के दौर में ग्रामीणों को रोजगार दिलाने में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। डिटेल में देखते हैं। देश भर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24% अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा कार्यों में अभी पूरे देश में 77,84,990 मजदूर संलग्न हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये डाटा को मत पढ़िएगा, इसको मैंने केवल आपके एडिशनल नॉलेज के लिए यहाँ पे ऐड किया है। बस आप लोग याद रखिएगी, इस वाले डाटा को याद रखिएगा कि 24% अकेले छत्तीसगढ़ का योगदान है, और कौन से स्थान में आया है? तो पहले स्थान में। और देखते हैं, इनमें सर्वाधिक 18 लाख, तो लगभग 18 लाख, याद रखिए इस डाटा को आप लोग याद रख सकते हैं, लगभग 18,51,530 मजदूर अकेले छत्तीसगढ़ से हैं, जो कुल मजदूरों का करीब 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग द्वारा शॉर्ट फिल्म एक जंग COVID-19 के खिलाफ का विमोचन किसने किया है? तो श्रीमती अनिला भेड़िया जी, विधानसभा क्षेत्र डोंडी लोहारा। डिटेल में देखते हैं। और प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, इन्हें मंत्री छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया है, और समाज कल्याण मंत्री का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। इन्होंने शॉर्ट फिल्म का विमोचन किया है, और इस शॉर्ट फिल्म
के विमोचन करने का उद्देश्य है कि लोगों को इसके माध्यम से जागरूक किया जा सके और जो विभाग द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें इस फिल्म के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमाला पुरातात्विक एवं दार्शनिक स्थल इस राज्य के किस जिले में है? तो याद रखिएगा ये पुरातात्विक भी है और दार्शनिक भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगुजा। ये सतमाला जो स्थान है ऐसा कुछ दिखता है, देखिए यहाँ पे कलाकृतियाँ आकृतियाँ व प्राचीन दीवारें वगैरह प्राप्त हुई हैं। इसका और डिटेल में अच्छे से देखते हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के ग्राम कलचा में किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे सतमाला नामक पुरातात्विक एवं दार्शनिक स्थल स्थित है। जनश्रुति की ऐसी मान्यता है कि किसी प्राचीन राजा यहाँ रहा करते थे, मतलब कि उनका यहाँ पे शासन था, उनका यहाँ पे राज्य था और यहाँ कालांतर में गुरुकुल आश्रम था जिसमें भगवान परशुराम अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र विद्या का अध्ययन कराते थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करेंट में भी चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक मूल्य की लघु वनोपजों की खरीदी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़। तो लघु वनोपज में देखिए यहाँ पे फोटो में दिख रहा है आपको पिक्चर में क्या क्या है, तो यहाँ पे करण बीज ठीक है, यहाँ पे और कुछ कुछ है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। हम लोग इसका और डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 18,63,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की लघु वनोपजों की वनवासियों और ग्रामीणों द्वारा खरीदी की जा चुकी है जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग ने कौन सा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुप्पी तोड़ो अभियान। यहाँ पे देखिए चुप्पी तोड़ घरेलू हिंसा रोको अभियान की शुरुआत रायपुर पुलिस ने की है। SSP श्री आरिफ शेख जी ने महिलाओं को यह कहा है कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमें उन्हें शिकायत करने पर 10 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंचकर सहायता प्रदान करेगी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका और डिटेल में देखते हैं। तो लॉकडाउन में बड़ी घरेलू हिंसा की शिकायतों से पुलिस विभाग ने इस अभियान की शुरुआत की है। बीते 36 दिन में पुलिस के पास 60 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों मेरे नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।